का बेस्ट नेटवर्क है एयरटेल पोस्टपेड, पोस्टपेड ही चलता है इधर, और एयरटेल पोस्टपेड सबसे बेस्ट है मेरे एक्सपीरियंस से, मैं कह रहा हूँ। सिग्नल भी बहुत अच्छा आ रहा है ऑल ओवर द कश्मीर, एज वेल एज डेटा भी मिल रहा है। उसके बाद जियो, उसके बाद BSNL, वो तो बकवासी है, खामी बराबर नहीं कर रहा है। आप एयरटेल पोस्टपेड लेके आएंगे तो ठीक रहेगा। हम कश्मीर पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं, और भी कर रहे हैं, और कभी कहीं भी हमको एयरटेल का नेटवर्क ऐसा नहीं कि मिला नहीं, सब जगह मिला और डेटा भी फास्ट है। सो आप एयरटेल पोस्टपेड लेके आएंगे तो ठीक रहेगा। ओके, ये हो गया। अभी हम मुद्दे से होटल चेकआउट कर रहे हैं। सो राइट नाउ हमने पौने घोड़ा बुक किया है, एक घोड़ा का वो लोग बोलेंगे 3000 बोलेंगे, 2500 बोलेंगे, 2000 बोलेंगे, आपसे जितना बार्गेन हो सके बार्गेन कर दीजिए। उससे पहले आप लोकेशन पूछ लीजिए, कहाँ कहाँ जाना है, मिनी स्विट्जरलैंड, बैसारन, वो सब जगह कहाँ कहाँ जाना है वो आप लिस्ट ले लीजिए। सो उसके बाद घोड़े वाले से बुक करके आप जाना तो जाइए, जाके आने में लगभग आपको 3 आवर्स लग जाएगा। सो हमने घोड़े वाले से 1200 में बुक किया है एक घोड़े का, इससे कम तो कहते नहीं है, बहुत बार्गेन कर दिया मैंने। 800 से स्टार्ट किया था तो 1200 में निबड़ा, उन्होंने 3500 से स्टार्ट किया था, सो 1200 में आके ख़त्म हुआ है। सो अभी हम घोड़े पे जाएंगे, मिनी स्विट्जरलैंड तक जाएंगे, बैसारन जाएंगे, सब देख देख के फिर रिटर्न आके उसके बाद हम अहरबल वाटरफॉल जाने का प्लान है। उधर बहुत बर्फ़ पड़ रहा है, सो जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, वो उधर जाके डिसाइड करेंगे। उसके बाद बैक टू श्रीनगर। तो चलिए अभी घोड़े में चलते हैं और आपको घोड़े में सवारी का व्यूज़ भी बताते हैं। हाउ इज़ द होटल? होटल तो अच्छा था एकदम, होटल अच्छा है, वाईफाई भी है आपको एक्स्ट्रा बेड के साथ, लंच डिनर के साथ, खाना भी, ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ, खाना भी अच्छा था, और रूम में हीटिंग भी है। मुझे 4-5 मिला था नेट, आपको चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्केट अच्छा थोड़ा सा दूर है, लाइक 2 किलोमीटर्स दूर है, एक गांव में आता है, अच्छा है वो भी, सर्विस भी अच्छा था। हाँ सर्विस भी अच्छा था। अभी हम चलेंगे घोड़े पे, घोड़े वाले आ गए अभी, तो अभी चलेंगे बैठेंगे। इसको पहलगाम वैली कहते हैं, ये पहला पॉइंट आ गया हम। देखिए घोड़े वाले कुछ झगड़ा कर रहे हैं। अभी जो है हम सेकंड पॉइंट पे आए हैं, ये कश्मीर वाली है, इधर ही 1992 कौन से साल पे आया था, 92 इधर ही 92 में एक क्लाउड बस्ट हुआ था, पूरा ख़त्म हो गया था ये वैली, यही वो जगह है। और ये माउंटेन है, इस माउंटेन के पीछे श्रीनगर है, शंकराचार्य मंदिर है। अच्छा इसके पीछे ये क्या, इसके पीछे है। अच्छा इसके पीछे ये शंकराचार्य टेम्पल और श्रीनगर आता है, इसके पीछे ये है, ये जो लोकल गाइड है वो बोल रहा है। अच्छा देखिए कितने टूरिस्ट है इधर, कुछ नहीं मेन पॉइंट आप देखो। अच्छा ये यही है हमारा, हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा बात कर रहे हैं, चलिए अभी आगे चलते हैं। ये देखिए अभी मिनी स्विट्जरलैंड आने वाले हैं, और व्यू देखिए, अभी थोड़ा चढ़ाई है, ये दबियान है, दबियान एक व्यू पॉइंट है, इधर रात को जंगली जानवर पानी पीने आते हैं। ए बाप रे घोड़ा कैसे चढ़ रहा है देखो, अयो ग्रुप है भाई, वाह बहुत ठंड है। अभी व्यू बताता हूँ, अभी देखिए लो पहुँच गए मिनी स्विट्जरलैंड, इधर टिकट लेना पड़ता है, इसी को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, इसके अंदर अभी जाएंगे। हाँ मज़ा आ गया भाई, विंटर में ही आना है, मैं दोबारा बार बार कह रहा हूँ, विंटर में ही आना है, समर में नहीं आना है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अगर आप कर सकते हैं तो आ जाइए, और एक और चीज़ भी बोल दूँ, अगर आप तगड़े हैं तो आप खुद की गाड़ी लेके आ जाइए, या इधर रेंट पे मिलती है गाड़ी जो कि 5000 लेता है महेंद्र थार का, आप वो भी लेके आ जाइए। अगर आप अच्छा एक्सपोर्टेड चलाने में, आपका बहुत सस्ता काम हो जाता है। अगर आप कैब लेंगे ना तो कैब वाले बहुत हिडन चार्जेस भी डालते हैं, और कहीं जगह जाते भी नहीं है, सो बहुत लफड़ा है, और कुछ ड्राइवर सब डर भी डरते हैं चलाने के लिए बर्फ़ में। थार 4x4 बेस्ट है, वो लेके आ जाए, 5000 लेते हैं एक दिन का, कितना चलाना चला लीजिए। अभी अंदर चलेंगे हम, इसी को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। बैसारन वैली है, बैसारन है, इधर पे ज़िपलाइन भी है, एक बंदे का 350 लेता है, इधर कैफेटेरिया भी है, कुछ रेस्टोरेंट्स भी है, इधर स्लज भी है, और ज़िपलाइन उधर है।
चलिए हम ज़िपलाइन भी करेंगे, अभी देखते हैं कैसा है ज़िपलाइन। जोरदार है यार, देखो व्यू देख लो आप, दिस इज़ मिनी स्विट्ज़रलैंड एंड रियल नेम तो बैसारन बोलते हैं इसे, टूरिस्ट लोगों ने मिनी स्विट्ज़रलैंड नाम रख दिया इधर। चलिए अभी ज़िपलाइन करने चलते हैं, सब रेडी हो गए, एक जना का 350 लेते हैं। ओके तो चलिए, अरे बाप जोरदार है भैया, क्या ब्रेक लगाया है यू। हो गया ज़िपलाइन, मज़ा आ गया ज़िपलाइन में। ज़िपलाइन होने के बाद हमें पैदल कर पैदल जाना पड़ता है। देखिए ऐसा है रास्ता, बैठो साहब। कहाँ बैठो? गाड़ी पर नहीं चाहिए यार, ये देख छोटा रास्ता क्या हुआ है, इसी रास्ते से बैक टू एंट्रेंस तक जाना है। बीच में लोग खड़े हैं आपको स्लेज में ले जाने के लिए, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से पैदल ही जा सकते हैं। स्लेज वाले लोग बीच में खड़े हो जाते हैं, बैठ जाइए बोल देंगे, फिर पैसा लूट लेंगे, रास्ता ही नहीं देंगे जाने के लिए। भाई सालन हो गया, मिनी स्विट्ज़रलैंड कर दिया हमने, एक्सक्लूसिव जगह है वो तो, ऐसा मस्त प्लेस ही मैं बोलूँगा। वो आप घोड़े वाले से बात करेंगे तो 3 पॉइंट में मिला के कर देगा आपको, एंट्रेंस जैसा गेट है सो आपका पता चल जाएगा, वो लिखा हुआ है भाई सालन मिनी स्विट्ज़रलैंड। अभी नीचे उतर रहा है घोड़ा, बहुत डेंजर लग रहा है बाप रे, मैं आपको बताता हूँ, स्लिप हो जाता है, डर लगता है, ऊपर चढ़ने के बाद तो कोई मुश्किल नहीं पड़ा, अभी नीचे जा रहा है तो डर लगता है कि कहीं स्लिप हो जाएगा, दिख नहीं रहा है सही। भाई 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 दोनों लड़ाई कर रहे थे, घोड़े वाले घोड़ा घोड़ा लड़ाई कर रहा है, ये बाप ये पूरा देख रहा है, ये पूरा नीचे ही जा रहा है, वीडियो में साफ नहीं दिख रहा होगा, पूरा नीचे जा रहा है और घोड़ा अच्छा बैलेंस करके निकल रहा है नीचे। हमें क्या करना है, पीछे जाना है और पैर को आगे करना है, नहीं तो सीधा आगे गिरोगे। घोड़ा कहीं चला गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, इसको पकड़ के रखना पड़ता है। पैदल भी आ सकते हैं लेकिन कोई पैदल नहीं आ रहे हैं, सब घोड़ा का सवारी ले रहे हैं। बहुत बार्गेन करना पड़ता है लेकिन घोड़ा का सवारी में मज़ा अलग है, पैदल थोड़ा मुश्किल होगा, ऑलरेडी टायर्ड होंगे सो पैदल आने में मज़ा नहीं, घोड़ा में आ गए तो आराम से आ जाएंगे और मज़ा भी आता है, ए न्यू एक्सपीरियंस होता है। अभी ऊपर बता दो पूरा पेट, अभी लड़े होने वाले हैं घोड़े घोड़े का, अभी लड़े होने वाले पक्का, देखते हैं। ये जो हमारा घोड़ा है ना बहुत खतरनाक है, सबको धक्का देके जाता है आगे, 2 बार तो ऐसा हो गया, मैंने शूट नहीं किया उसका, इस बार ट्राई करते होता है क्या नहीं, ऐसा 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 अच्छा घुमाना पड़ता है। घोड़े वाले हमें अभी सीधा पलगाम बस स्टैंड के पास छोड़ देगा,
उधर हमारा गाड़ी रेडी है, लगे सब गाड़ी पर ऑलरेडी रख चुके हैं। सो उसके बाद अभी हम अहरबल वाटरफॉल जाएंगे। लोकल्स इधर के बोल रहे हैं कि अहरबल वाटरफॉल में पूरा स्नो है, रोड बंद हो गया है, सो नहीं हो पाएगा। मैंने ड्राइवर को कहा है कि नहीं होता तो भी हम जाएंगे, आप जितना हो सके जाइए, आगे देखते हैं होता है क्या नहीं। सो इसके बाद जाएंगे अहरबल वाटरफॉल। हो सके तो हम ट्रेन का एक्सपीरियंस करेंगे, अनंतनाग से हम ट्रेन ले लेंगे और श्रीनगर पहुंच जाएंगे और गाड़ी वाले को बोल देंगे कि स्ट्रेट आ जाना तुम श्रीनगर, हम ट्रेन में जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। आगे वीडियो में बने रहिए, फॉरवर्ड मत कीजिए, देखते रहिए आगे क्या होता है, पूरा डिटेल बताऊंगा मैं आपको। यो घोड़े पे बैठ के पीछे से दुख रहा है, इसलिए मैं उतर गया और घोड़े को मैं साथ में लेके आ रहा हूँ और पहुँच ही गए हम। अगर आप चाहें तो आपको, अगर आपको घोड़ा नहीं लेना है तो आप पैदल भी आ सकते हैं, लगभग सेम टाइमिंग ही लगता है, 3 आवर्स ही लगता है जाने आने में और उधर 1 आवर टाइम स्पेंड करने में। जो घोड़े का रूट है आप उसी के साथ पैदल जा सकते हैं, आपका घोड़े का पैसा बच जाता है। मेरे हिसाब से तो घोड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है, बाजू में ही है, आराम से जा सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर आप घोड़ा ले लीजिए, 1000 से 1200 लेते हैं विंटर में, और अगर आप समर में आते हैं तो 2000 से 2500 तक लेते हैं, क्योंकि समर का पीक सीज़न होता है और विंटर में नहीं होता है। ये देखो भैया घोड़े को लेके जा रहा हूँ मैं, हाय बोलो, हाय हाय। हो गया ये काम अभी तो, अभी हमारी गाड़ी खड़ा है उधर, तो अभी देखते हैं, अभी स्ट्रेट अनंतनाग जाएंगे, उधर ही डिसाइड होगा और बोल जाएंगे या नहीं, तो चलिए चलते हैं। लो भैया ले लो घोड़ा आपका, हो गया। वेलकम से हम अहरबल वाटरफॉल आए अभी, और इधर का व्यू ऐसा है, देखिए रोड देखिए कैसा है। ये रोड भी पहलगाम के लिए जाता है, लेकिन ये रोड बंद हो गया है अभी, सो पूरा बर्फ़ है इसलिए ये रोड नहीं यूज़ कर सकते, हमें दोबारा इसी रोड से जाना पड़ेगा रिटर्न। ये हमारा गाड़ी इधर खड़ा है, तो चलिए अभी अहरबल वाटरफॉल, अभी अहरबल वाटरफॉल चलते हैं। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी करेंगे, आप गाड़ी घुमा दो। हाँ हाँ हाँ, बहुत स्लिपरी है भाई इधर, इट्स वेरी स्लिपरी। ये देखिए हटबंड एरिया, पब्लिक कन्वीनियंस, जील शाह पार्क, और इधर लिखा हुआ है वे टू वाटरफॉल। चलिए भाग के चलते हैं, अभी 5:30 हो गया, टाइम हो गया, हमें दोबारा श्रीनगर पहुंचना है। देखा व्यू, देखा आपने, पूरा बर्फ ही बर्फ दिख रहा है। और पहलगाम से आने के बाद आप अहरबल वाटरफॉल भी जा सकते हैं, थोड़ा सा अंदर आना है, लाइक 70-80 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा लगेगा। सो आप आके फिर अनंतनाग से आप श्रीनगर जा सकते हैं। कोई कोई ट्रैवल एक्स्ट्रा भी लेता है इधर आने के लिए, एक दिन में करने के लिए। इधर कैफेटेरिया भी है, इधर टिकट भी है, 10 रुपया टिकट, इस तरह से अंदर जाना है। इधर पूरे सीढ़ी लगे हुए हैं जो कि दिख ही नहीं रहा है, एक बार तो मैं गिर भी गया हूँ। पूरा सीधा ही है, स्ट्रेट, आराम से, बहुत स्लिपरी। हाँ बहुत स्लिपरी है अभी, ये देखिए इधर से कुछ दिखता है, वाह। आगे नज़दीक आ गए हम, पकड़ के चलना पड़ता है। ये है अहरबल वाटरफॉल, कैसा दिख रहा है ना, मस्त। थोड़ा सा और आगे जाना है, चलते हैं। आगे वो छोटा वाला और ये बड़ा वाला कैसा दिख रहा है, वाह पानी बहुत जोर से आ रहा है।
अभी सीजन में नहीं है, पानी इतना जोर से आ रहा है। वाह, इधर कुछ बैठने के लिए जगह है। थोड़ा लगभग गाड़ी पार्क करने से एक किलोमीटर का ट्रैक है, थोड़ा नीचे उतरना है, एक किलोमीटर का है शायद, तो वो करने के बाद आप इस जगह पे आ पहुँच जाएंगे। डोंट स्टेप बियॉन्ड दिस वे, इट इज़ डेंजरस। वाह, इस तरह देखिए, वाह, वेलकम। जा रहे हैं तो अर्बन वाटरफॉल पक्का देखना, मिस मत करना, बहुत जोरदार जगह है। तो चलिए, अभी हम होटल चलेंगे, पहलगाम जाएंगे। रोड पूरा स्लिपरी रोड है, पता नहीं कैसे चला के जाएंगे ड्राइवर। उधर जाएंगे अभी, फिर होटल बताता हूँ मैं आपको। पहलगाम से अहरवल जाके आने में 9 बज गया, अभी टाइम हुआ है 9 PM हो गया है, और हमने ओपेरा इन पे चेक इन किया है। ये लगभग दाल लेक से एक 5 किलोमीटर दूरी पे है। आपको मैं रूम बताता हूँ, आइए। ये भी सेंट्रली हीटेड है, वो हीटिंग का मशीन उधर लगा हुआ है। ये भी हमने विदाउट ब्रेकफास्ट और डिनर वी गॉट इट फॉर नेट 4000 एक्स्ट्रा बेड के साथ। एक्स्ट्रा बेड इस तरफ है, ये फैमिली सूट है। फैमिली सूट है। और इधर भी बाथरूम है। ये बहुत थक गया भाई, ड्राइवर तो बहुत डर ही गया था, पूरा बर्फ़ था वो अहरवल का रोड पे, सो ड्राइवर बहुत टेंशन हो गया। और रिटर्न में पूरा रात में हम निकल के आए, रोड पूरा एकदम थिक आहिस्ता, जैसे पत्थर की तरह आहिस्ता, इसलिए ड्राइवर गाड़ी स्किट हो रहा था। लेकिन धीरे 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 मैप डाल के, ड्राइवर को रास्ता भी भूल गया था, वो उसको कंफ्यूज हो गया कौन सी रूट से जाना है, तो हमने मैप डाल के दिया, तो उस मैप के हिसाब से हम निकल के हाईवे पकड़ के श्रीनगर आ गए। सो अभी आज का दिन का टूर ख़त्म हो गया, पहलगाम भी एक्सप्लोर हो गया, कल हम जाएंगे सोनमार्ग के लिए। सो आज का दिन का वीडियो हम इधर हैं, एंड कर देते हैं। ओके, बाय बाय। बाप रे, बहुत थक गया भाई।